मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस गाइस से. और इसका अब हम एक अगर हम एक एग्जांपल देखें कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें ए है और बी है, दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, तो हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन हमें निकालनी है ए की. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं. अब सॉल्यूशन में ए और बी आपके दोनों हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो ये होगी आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. अब अगर हमें निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जिसकी भी हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसमें क्या होंगे, एन ए प्लस एन बी. और नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या होंगे हमारे, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए, या फिर हम क्या लिख, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हमारे क्या होंगे, वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी. ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं अपनी मोल फ्रैक्शन. अब जो मोल फ्रैक्शन होती है ये क्या है, क्योंकि ये हमारी फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन वन आती है. अब अगर हम मोल फ्रैक्शन एक ही लें तो ये भी लेस देन वन आएगी और मोल, ठीक है. और जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अभी इसमें क्या है, अपने सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, तो इन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो हमेशा क्या होगा, वन होगा. ठीक है, कैसे कर लो, इन दोनों के फॉर्मूला जो आपके हैं इन दोनों को ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा, एन ए ये मैंने लिख दिया ए का, ये मैंने लिख दिया बी का. ठीक है, जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू वन. ठीक है, तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन हमें क्या बताता है कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब टोटल अगर हम वन ले लें तो उसमें से कितना फ्रैक्शन, वन में से कितना फ्रैक्शन ए का है और कितना फ्रैक्शन बी का है, ये हमारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर हमारे वन है तो उसमें से कितना ए का फ्रैक्शन है, कितना बी का फ्रैक्शन है, ये हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन. ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें तीन कंपोनेंट्स हैं, एक ए कंपोनेंट है, एक बी है और एक सी है, तो इसके लिए क्या होगा, अगर हमें मोल फ्रैक्शन ए की निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी. ठीक है, ऐसे ही अगर हमें मोल फ्रैक्शन बी की निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी सी, और ऐसे हम क्या निकलेंगे, अपना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, ये आप अपने आप लिख सकते हो. ठीक है, अब मान लो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाल लिए, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी हमें इस फॉर्मूला से नहीं निकालने, तो क्या करेंगे, हमें पता है कि नंबर ऑफ जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब का मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो इक्वल होगा वन के. ठीक है, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना है तो हम क्या करेंगे, वन में से माइनस कर देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी. ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं. अब ये तो हो गया आपका मोल फ्रैक्शन, अब हम क्या करते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. तो अगर हम अपना ये न्यूमेरिकल देखें तो इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है, एक सॉल्यूशन है जिसमें 2.5 मोल्स इथेनॉल के हैं, 7.5 मोल्स वाटर के हैं, और हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं ईच कंपोनेंट, मतलब आपके सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो आपका है इथेनॉल जो कि होगा C2H5OH, और एक है आपका वाटर, और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ईच कंपोनेंट का, मतलब इथेनॉल का भी और वाटर का भी. अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या होगा, C2H5OH, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O. ठीक है, अब हमें इनके मोल्स दिए ही हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसके नंबर ऑफ मोल्स पुट कर दो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल हमें दिया है 2.5 और H2O के दिए हैं 7.5, तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.25. ठीक है, तो ये आ गए आपके नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल. अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो दे रखे हैं हमें 7.5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 7.5 डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगा आपका 0.75. ठीक है, और
चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका 1 आना चाहिए। तो अगर हम 0.25 और 0.75 ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन का लेक्चर कंप्लीट।